Press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे कॉर्न चाट। कॉर्न चाट बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और जिस हिसाब से आप खाएं, लेमन जूस, कोरिएंडर, धनिया, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और कॉर्न। ये कॉर्न मैंने जो है पहले ही बॉईल कर लिए थे तो ये बॉइल्ड कॉर्न है। इनको हम सबसे पहले कॉर्न में कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें अरारोट भी मिला सकते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं कि आप चाट कैसी खाना चाहते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जो कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे, मेक श्योर करें कि जो हमारी कॉर्न है इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसमें हमारा जो कॉर्न है मतलब जो पाउडर है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कोट नहीं हुआ तो आप चाहें तो इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था वो अच्छे से हमारी जो कॉर्न है, हमारा जो मक्का है उसके ऊपर कोट हो चुका है। मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल गरम करेंगे और उसमें हमारे कॉर्न डालेंगे। आप कॉर्न को प्लीज़ बहुत केयरफुली डालिए क्योंकि इसमें हम जो पानी डालते हैं और जब हम कॉर्न को फ्राई करते हैं तो ये फट जाते हैं, तो आप बहुत ही केयरफुली ये काम करें। हमारे जो कॉर्न है हम उनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्न जो है फ्राई हो चुके हैं। हमने सारे कॉर्न फ्राई कर लिए हैं हमारे। मैं वापस बोल रही हूँ, प्लीज़ बहुत ही केयरफुली फ्राई करें। कॉर्न जो है वो फटते हैं तो इससे हमारे ऊपर तेल की छींटे लग सकती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर कटा हुआ, 1 प्याज कटा हुआ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें, बाकी प्रोसेस सेम करें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे, भुना हुआ जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेमन जूस 2 चम्मच, अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कटी हुई हरी मिर्ची। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती डाल के इसको गार्निश करेंगे। इसको एक बार मिक्स कर लें अच्छे से। कॉर्न चाट है जो हमारी है वो बन के रेडी हो चुकी है। प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और सर्व करें। देखिए कितनी बहुत टेस्टी कॉर्न चाट रेडी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।